देखो क्या है भाई, जैसे आया शुरू करते हैं, क्या था वो सीक्वेंस एंड सीरीज। बड़े दिनों बाद आए भाई आप तो आज, क्या बात है, ठीक थी आप? ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में क्या था देखो भाई, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, ये क्या है, ए प्लस सी माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। देखो इफ, लिखो इफ, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, ये वाला ए प्लस सी माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी, आर इन ए पी, आर इन ए पी, ए पी समझ गए थे ना भाई। देन प्रूव दैट वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन ए पी, ये सारे ए पी में, ये सारे क्या होंगे, ए पी में होंगे। देख भाई अब क्या है सवाल में, ये गिवन है कि ये ए पी में है, गिवन क्या है ये, मैंने कल बताया था ए पी की जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ऑफ ईच टर्म दैट इज द टेंट विल बी इन ए पी, बताया था ना, यानी कि अगर कोई ए पी गिवन है उसमें चाहे प्लस कर दो एक ही नंबर, हर टर्म्स में नंबर सेम होगा वही, और क्या कर दो माइनस कर दो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो रिजल्टेंट क्या रहेगा सेम। तो मेरा मन चाह रहा है इसमें प्लस टू कर दिया भाई, हर एक टर्म्स में कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस टू यूँ करना, देखो एक तो माइनस बी है ये मुझे प्लस का बनाना इसकी वजह से, और नीचे लाना है मुझे ए बी सी ए वाला, इसका मतलब ऊपर सारा खत्म होना, अकल लग गई ना ये, जब ऊपर खत्म होगा तो ऊपर सेम नंबर होना चाहिए, सेम क्या हो सकता है, ये तो देख सब में दो दो सेम है, इसे प्लस का बना दूं, इसका प्लस का क्यों बनाऊंगा जब इसे वो ए है, जब इसका ये इसमें ये जुड़ के ये पड़ेगा, फिर से डिवाइड कर दूंगा सीधी सीधी बात है, उल्टा सोचो लाना क्या है मुझे, अब आगे सुनिए दिक्कत तो नहीं है, हो सके आपको ध्यान देगा रटने वाली बात तो नहीं। देखो प्लस ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस टू, देखो ये क्या आ गया टू ए, ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस टू ए, तो क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी, लिखेंगे आर इन ए पी, अपनी तरफ से लिखेंगे आर इन ए पी, ये भी ए पी में थे, ये गिवन सीरीज भी ए पी में थी, ये भी ए पी में होंगे, तो फर्क तो नहीं पड़ा, इसको सोल्व कर दे क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी आर इन ए पी, ए पी में होंगे भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया, जब भी ए पी में रहेगी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या रहेगा वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी और इन ए पी, ये तुम्हारी किताब में इस तरह के सवाल आते हैं, टेंथ इलेवन ट्वेल्थ तुम्हारी किताब में बहुत भरे पड़े हुए हैं इस तरह के सवाल होंगे भाई, आसान है कि मुश्किल है, क्या कह रहे अब आगे बढ़ते हैं आसान है।
क्वेश्चन क्या है, इफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच अर्थमेटिक मीन है, तो उसकी एन की वैल्यू निकालनी। भाई क्या समझो? अच्छा जी देखो अब क्या है सवाल, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, क्या करा जो होगा शायद तुमने कभी है। देखो ए और बी के बीच अर्थमेटिक मीन गिवन है, ए और बी का अर्थमेटिक मीन कितना हो भाई? लिखेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन क्या बताया था मैंने? ए प्लस बी बाई टू, ही तो बता रहे थे ए प्लस बी इक्वल टू टू, ये बताया उन्होंने ए प्लस बी अपॉन टू, ये भी अर्थमेटिक मीन है, ये भी अर्थमेटिक मीन है, ये क्या है ए और बी का, ये भी ए बी का, तो क्या होंगे बराबर, तो क्या आएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ली क्या आ गया 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, a की मल्टीप्लाई क्या आ गया a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस वन, पहले a की मल्टीप्ली फिर b की, क्या जाएगा a की पावर n b प्लस b की पावर n, आइए बात में देखो ये a की पावर n इधर लाऊंगा क्या जाएगा 2a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस b की पावर n को इधर ले आऊंगा, इसको इधर क्या आवश्यक है a b की पावर n माइनस वन, a b की पावर n माइनस वन प्लस प्लस क्या आएगा ये गलत कहता है, a की पावर क्या आएगा a की पावर n a b की पावर n माइनस वन, फिर b की करूंगा क्या आएगा a की पावर n एक पावर एन माइनस वन, सुनो नहीं वो गलत करेगा बी की ए बी, वो बच्चे तो बता भी देते एकदम गलती है, बी एक पावर एन रटने वाली बात तो नहीं, प्लस क्या आ गया ए की पावर एन माइनस वन बी है भाई, इनमें से क्या गया ए की पावर एन, यहाँ से ए की पावर एन आ गया प्लस बी की पावर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं भाई, क्या ले लूं ए बी की पावर एन कॉमन ले लूं, अच्छा फिर क्या आ जाएगा भाई ये ए बी की पावर एन माइनस, देखो इसे इस तरह लिख सकता हूं फिर ए अपॉन बी की पावर एन लिख सकूं भाई इसको, तो b की पावर n माइनस वन है ना, देखो इसे b की पावर n माइनस वन को किससे लिखते हैं, b की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर माइनस वन, ये क्या गया b की पावर n अपॉन b की पावर वन में आ गई, बोलो इसे किस तरह लिख लिया, a की पावर n को a की पावर n अपॉन a इंटू b इंटू बी श्योर, बात समझ में नहीं आई है, बनी नहीं बात मेरी समझ आई, मेरे को आ गई क्या आ गए ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन बी, यार वहाँ तक तो मेरी सिनेमा आ गई, तुम्हारी भी सिनेमा आ गई है, आगे नहीं आ रही, देखो क्या करूँगा ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस वन बी, इसे लड़ लिया तो समझ आ जाएगी बात, ए बी की पावर एन माइनस वन माइनस बी की पावर एन दे भाई, तो समझ आ जाएगी बात, इनकी समझ आती है, इन दोनों में क्या कॉमन है ए की पावर एन ले लूँ या एक पावर एन माइनस वन लूँ कॉमन, क्या लूँ कॉमन कुछ ही ले लूँ, तो एक ही बात है, क्या लूँ कॉमन लूँ भाई, हैं एक पावर एन ले लूँ, एक पावर एन ले लूँ,
इधर तुम्हारे कहने से ले रहा भाई, मैं तो एक ये बदल लेंगे क्या हो गया, एक ही पावर मिल क्या बचेगा अपने, माइनस क्या बचेगा, ए का स्क्वायर नहीं, ए की पावर माइनस वन या बी अपॉन ए बचेगा बस। इधर से क्या कॉमन लिया भाई, मैं बी की पावर एन, क्या आ जाएगा कॉमन लिया गया, ए अपॉन बी, हाँ माइनस आई बात नहीं है, क्या कह रहे कॉमन का मतलब क्या होता है, देखो है ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस वन है भाई, इन दोनों क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस ए की पावर माइनस वन लिख सकूंगा, एक और एन दोनों अगर कॉमन ले लिया माइनस ए इनवर्स, अगर बी साथ होता मान लिया बाई चांस यहाँ बी साथ हो गया तो बी अपॉन ए आ जाएंगे, अभी नहीं बात, अच्छा ये आ गया भाई है, अभी नहीं भाई साहब इस सिनेमा आ रहे हैं, अभी नहीं कब से मई ये बात है आई कब से मारा बात, क्या कह रहे हैं बता दे मुझे नहीं क्या ए की पावर एन यू कह रहे ए अपॉन बी कर लिया भाई से, इसे क्या कर लिया ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी अपॉन बी, ये क्या जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए, ये तो कह रहे थे भाई तुम ये कुछ और कह रहे थे, अब तुम ये तो कह रहे थे इससे ये कट जाएगा, ये क्या आ गया ऊपर आ गया ए अपॉन किसकी, देखिए है ना बेटे नीचे है ना डिनोमिनेटर है ना, इससे डिवाइड करो मल्टीप्लिकेशन के ए अपॉन में जाएगा ना, ये दूसरी फ्रैक्शन है ना, ये है नहीं बात ए अपॉन बी, अच्छा क्या आ जाएगा ये ए बी की पावर, ये आ जाएगा एन इक्वल टू ए अपॉन बी, ये आ जाएगा ए बी की पावर एन माइनस वन आ जाएगा इधर आगे डिवाइड करके नीचे, तो क्या आ गया ए बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया वन, और वन की वैल्यू किसी ने की हो ए बी की पावर एन की पावर किसी की पावर जीरो रख दूँ, दोनों को क्या कर दिया कंपेयर कर दिया एन माइनस वन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू, हाँ इसकी पावर क्या है चेंज कर ले भाई, एक ही बात है चेंज कर ले भाई चेंज कर ले, ये मैंने कहा कि अगर मान ले बाई चांस यहाँ कुछ और आ जाता फिर दिक्कत आ जाती, ठीक है भाई भाई बात नहीं सिनेमा आ गया ना किसी की तरह कर ले है, ठीक था सवाल कब तो मैंने बात है बार बार यहाँ बात है, चलो
लिख लिया होगा इधर का तो फास्ट हो गए कि इतने बड़े बच्चे किधर हैं। आपने लिखा था हम ही तो है इतना तो मैंने ध्यान रखा। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच अन अरिथमेटिक मीन मुझे रखने हैं किस तरह निकल सकते हैं मतलब अरिथमेटिक इसके बीच एन रखने हैं एन। जैसे मान लिया ये पहला टर्म की ए है पहला क्या है ए फिर क्या है कि इसके बीच मान लिया पहला ये अरिथमेटिक मीन ए बना है मान लिया दैट मान लिया इसकी ये है फिर इसके बीच कितना है दूसरा ए टू तीसरा कितना है कहाँ तक रखने हैं ये ए एन तक लास्ट टर्म कितनी आएगी बी। दिक्कत तो नहीं कुछ ये कह रहा है कि ए और बी के बीच एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दो रख दो इंसर्ट कर दो सो डाल दो डाल दो भाई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के कितने टर्म्स होंगे यहाँ से यहाँ तक के कोई बता दिया मुझे कितने टर्म्स होंगे बताओ कितने टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने टर्म्स हो सकते हैं भाई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हैं ये एन टर्म्स हैं एक योरा और एक योरा तो कितने टर्म्स हो गए टू टर्म्स हो गए टू एन हो गए ए बी टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है बेटे में कितने टर्म्स होंगे देखो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं सही बता रहे कुछ कुछ ज़्यादातर सही यहाँ से यहाँ तक एन है एक योरा और एक योरा तो कितने टर्म्स हो गए टोटल और कम हो जाएंगे एन प्लस टू भाई देखो यहाँ यहाँ तक बेटे कितने हैं एन एल दो जोड़ के एन एल दो जोड़ के क्या आता है एन प्लस टू बेटे टू को एन को मल्टीप्लाई करके आता है। देखो अगर अलग अलग हों देखो क्या है कोई बात नहीं क्या है इसे अगर ए एक्स को और टू को अगर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके आता है टू एक्स दोनों ऐड करके आता है हमेशा एक्स प्लस टू याद एन और टू को क्या आएगा ऐड करके एन प्लस टू। इसे मैं ये भी तो कह सकूँ भाई कि जो ये ए पी है ये ए पी है ए पी होंगे जब अर्थमेटिक मीन कह रहा है कह रहा है यू रखने तो यानी एन प्लस टू टर्म्स की वैल्यू क्या आ गई बी आ गई ये भी तो कह सकूँ मैं इन एन जब मैंने टी एन को भी बिलोंग करा था ए एन को भी यही नहीं करा था यानी ए एन प्लस टू की वैल्यू कितनी आ गई भाई बी आ गई ही नहीं है एन प्लस टू की टर्म की वैल्यू और ए एन का फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टी एन का तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू और ए क्या था फर्स्ट टर्म तो ए है ही तो क्या आ जाएगी ए प्लस एन एन की जगह एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई बोलो फिर क्या आ जाएगा यहाँ से ए क्या आ जाएगा एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस ए इसे ध्यान रखूंगा इसे इधर के लिए एलिमिनेशन करिए और ये क्या आ जाएगा एन प्लस टू माइनस वन एन माइनस क्या आ जाएगा एन प्लस वन जी बी ये बेटे ए एन प्लस टू टर्म की वैल्यू बी तो है ये एन प्लस टू टर्म की वैल्यू बी नहीं है ये एन प्लस टू ही टर्म्स बी नहीं है ये टी एन इक्वल टू वो था नहीं का फॉर्मूला यहाँ से बात समझ में आ गई। अच्छा डी इक्वल टू क्या आ गया b माइनस ए अपॉन बोल रहा करो ये d आ गया d भी आ गया a भी आ गया। अब तो मैं सारे पुट कर दूंगा। अब देखो अगर फर्स्ट टर्म a है कॉमन डिफरेंस कितना है d है तो ये टर्म्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये a प्लस डी होगी ये a2 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस डी फिर इसकी वैल्यू तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई a1 की वैल्यू कहते हैं a प्लस डी ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है ए डी की वैल्यू कितनी है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन और ए टू की वैल्यू ए प्लस टू डी क्या ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसी तरह अगर ए एन की निकालनी हो मुझे ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस एन डी
ए प्लस तो क्या आ जाएगा ए प्लस एन बी की वैल्यू कितनी है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन रख सकता हूँ। टू वैल्यू की दिक्कत तो नहीं आ रही तो ये कोई सी भी टर्म्स की है वैल्यू में रखूँगा मुझे कहीं जरूरत पड़ी तो यानी कि मुझे दूसरी टर्म्स की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस टू डी हो जाएगी। दूसरी अर्थमेटिक मीन वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से ए प्लस अगर सेवन की निकालनी ए प्लस सेवन डी एन की निकालनी ए प्लस एन डी आगे समझ में दिक्कत नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकूँ तो मैं कहाँ से आई तो नहीं है। चलो अब आगे एक और है जैसे तो नहीं का लैपटॉप में या कंप्यूटर में लिखा हुआ इंसर्ट डालना लिखा ही इंसर्ट का बटन है डालना है देखा हुआ लैपटॉप में इंसर्ट लिखा वही था डालना इंसर्शन ऑफ इंसर्शन एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्वेश्चन है बिटवीन वन एंड लिखो बिटवीन वन एंड 31 हम एम अरिथमेटिक मीन कितने एम बिटवीन वन एंड 31 एम अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड are inserted such that the ratio of seven and m minus 1 the ratio of seven and m minus 1 means is कौन कौन सी की रेशियो ऑफ सेवन और एंड एम माइनस वन मीन्स इज फाइव रेशियो नाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम देखो क्या है भाई कुछ भी नहीं है सीधा सवाल है समझ में आया थोड़ा थोड़ा है क्या कह रहा है यू कि एक और 31 के बीच m इंसर्टेड कर दो भाई क्या कर दो अर्थमेटिक मीन m इंसर्टेड कर दो किसके 1 और 31 के देखो भाई 1 क्या क्या मान ले पहला तो a1 होगा फिर a2 फिर a3 फिर कितने कर दो एम किसके बीच 31
एक और 31 के बीच एम इंसर्टेड कर दिया मैंने रेश, यहाँ से बात सुना होगी। अब ये कह रहा है कि 7th में मीन और एम माइनस मीन की रेशियो 5/9 है, ये तो निकालना। तो ये मीन निकाल लूँ पहले, 7th में मीन की क्या होगी, 7th में मीन लूँ ए प्लस 7d और ए एम माइनस वन की क्या होगी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अच्छा इस तो क्या है मुझे, फर्स्ट टर्म तो ए है पता है, ए वन क्या नहीं पता मुझे, डी नहीं पता, जो 7th का मीन क्या होगा ए प्लस 7d नहीं होना, भी पता है ना, ये डी तो चाहिए मुझे, डी नहीं पता गई डी मुझे। हाँ पहले वाली की तुरंत निकालने तो पड़ेगा। अब देखो इसमें कितने टर्म्स की वैल्यू है, 31 एम प्लस 2 की, यानी कि ए एम प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है, 31। ये क्या आएगा, ए प्लस एम प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। ए की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एम प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। एम प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। इधर आ गया है तो डी इज इक्वल टू 30 अपॉन एम प्लस 1। दिक्कत तो नहीं आई होगी यहाँ तक। अच्छा अब ए, अब कौन सी ए 7 की वैल्यू निकाल लूंगा, ए प्लस 7d इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस ए की जगह क्या है 1 प्लस क्या जाएगा 30 अपॉन एम प्लस 1। बोलो yes, इसे क्या जाएगा और एम प्लस, ये और इसे सोल्व, इसे और सोल्व थोड़ा सोल्व कर लिया, एम प्लस 31 अपॉन एम प्लस 1। अच्छा 7 भी आया, प्लस कितना जाएगा, ये 211 और यही तो आएगा भाई। बोलो अब क्या आएगा, ए एम, ए एम की वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस एम डी, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम की वैल्यू, एम ई है, डी की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई अपॉन एम प्लस 1। कितना आ गया 30 एम और एम क्या आएगा 31 एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 है भाई, ठीक नहीं है सर। सर 210 आएगा वहाँ पर, देखते देखो एम प्लस 1 और प्लस 210, 211 जाएगा भाई, देखो ये इसके मल्टीपल होगा बेटे, ठीक है आई बात, कोई बात बड़ी अच्छी बात है कि हमने ध्यान तो रखा कि वो क्या रहा। तो क्या आएगा इन दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी, ए 7 अपॉन ए एम दे रखी गिवन 5/9, दिक्कत तो नहीं, इसकी वैल्यू रखूँगा क्या रखूँगा, एम प्लस 211 अपॉन एम प्लस 1, क्या गया नीचे 31 एम प्लस 1 एम प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। इससे उसकी दावत कर दूँ तो क्या आएगा, एम प्लस 211 अपॉन 31 एम प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। ये दोनों क्रॉस में कटिंग फटिंग किया जाए कुछ यूज हो गया, कटिंग काटिंग कर लूँगा भाई, हैं ए 7 रखा बेटे, मतलब ए 5 तो है ही नहीं, ये 7 और एम 1 की रेशियो दी ने रखा 5/9 है, ए 7 और ए एम माइनस की रखी बेटे वैल्यू क्या कहते हैं। अच्छा ए ये एम माइनस वन ही तो रखेंगे यार, ये वैल्यू तो ठीक रखी मैंने वही, आई बात नहीं कोई रटने वाली बात तो नहीं हुई, ये मेरा पाई ये ध्यान रखा होगा, ये दिल चिल्ला ना ये रख दिया आज बेटे, ए एम माइनस वन की वैल्यू वही रखी है, देख ए एम की वैल्यू वही रखी है, रखी तो वैल्यू मैंने ठीक ही, ठीक है भाई दिक्कत तो नहीं कुछ हुई, चलो छोटी सी वैल्यू ये तो है, क्योंकि जब जूते उठा लिए हैं हाथों में तो इन क्या रखा बात तो मैं नहीं। तो बारिश में थोड़ी भीगने की तो बात है, जब भीग ले जूते हाथ में उठा लिए तो कहीं कहीं घुमा लो गाँव में गए भाई, छोटी छोटी बातें हैं ये।
चलो ध्यान अच्छी बात है, अच्छा लगता है आपकी ध्यान पर। मैं तो राम के प्रति अधीन चल रही हूँ। पेड़ों में बैठ के भाई से तो आगे तो ये कोई सीरीज है ए पी ए ए प्लस डी। सीरीज क्या होती है? ए ए प्लस आगे कौन सी आएगी? आगे आगे ये आएगी लास्ट में एनवी टर्म्स तो ये होगी ए ए यही तो होगी। ए वन ए टू ए थ्री सीफ के सीधी वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक याद कर लेना भाई, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हमें, जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम जो है इक्वल होता है हमेशा। क्या कहा था मैंने? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है? थोड़ी सी गलती कर दी मुझे। अरे हाँ, मुझे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे पहले क्या आएगी भाई? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आएगा, इससे पहले क्या आएगा? यहाँ पे सुबह सुना हो गया क्या कहा बेटे मैंने? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो रेस्पेक्टिवली है इनका सम जो है हमेशा सबका इक्वल रहता है। क्या समझ में नहीं होगी थोड़ी सी बात? जैसे फर्स्ट टर्म क्या है ये, लास्ट टर्म क्या है ये, हमेशा से प्रॉब्लम हो जा रही है उल्टी सीधी है। चल समझ में तो आ गई ना ये, इसका इसका फिर ए प्लस डी का सेकेंड का और सेकेंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का, बहुत सारे टर्म्स हैं इनके बीच भाई, ये समझ आ गया। इनका सम जो है क्या होता है? ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी? मान ले लास्ट टर्म को मैंने कहे थे इंडिकेट करी थी लास्ट टर्म पे, बताया था एल से दिखाया था, तो इनका मान ले इनका सम क्या आ जाएगा? ये ए प्लस एल, जब ये ए प्लस एल आया तो ये भी ए प्लस एल होगा, ये भी ए प्लस एल होगा। अच्छा टोटल कितने टर्म्स थे ये भाई? एन टर्म्स थे। अब मैंने सबके क्या बना दिए, सबके क्या बना दिए? जोड़े। अब ये कितने रह गए? एन बाई टू रह गए, एन बाई टू रह गए। अरे एक जोड़े का सम कितना है? तो सबका सम कितना आ गया? मल्टीप्लाई ए प्लस है, बस आ गया सर। ये फॉर्म तो रटने की जरूरत तो नहीं हुई। सम ऑफ एन टर्म, ये लिखेंगे सम ऑफ, याद रह गया रटने वाली बात तो नहीं हुई, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए, मतलब बहुत फॉर्म में हो रहे कहाँ तक याद करेंगे। क्या आ जाएगा? एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, भूल लेते नहीं कभी। एक और फॉर्म लगता है, देखो मैंने क्या बताया कि एन बाई टू ए प्लस एल, तो ये बता दिया भाई मैंने। एल क्या है इसमें? एल क्या है? लास्ट टर्म या एनवी टर्म? एलवी टर्म की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू, एन बाई टू फिर जो भी तुम ए ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है फॉर्म। ये जो किताबों में मिलता है डायरेक्ट नहीं मिलता है, सीधा कहता है टीचर ज्ञान रटो भाई एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अपनी अम्मी रटेंगे रटरी भी लियो
संयुक्त तो आइए कहाँ से आए हैं, यानी कि जो सम ऑफ एंड टर्म ऑफ ए पी, क्या कहता है हमने, सम ऑफ ए पी फॉर्म लाइज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या एन बाई टू ए प्लस एच, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑल इज एल इज द लास्ट टर्म। कर लूँ भाई, अच्छी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन उतार नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ दो। अच्छा भाई, अगर अक्टूबर में तुम्हारा क्या कितने बजे आ सकते हो तुम सुबह को? मैं सुबह सवेरा हाँ 10-15 दिन सवेरे फीस के बाद कितने सबसे सुबह प्रातःकालीन सभा हूँ, आ जाऊँगे 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अंगड़ैया तीन लेते 7 बजे है नहीं, कहना आसान है नहीं है वो है ना, ये सुबह ही गया जी, सुबह हम भी तोड़ लगाएंगे जब पड़ जाना इनके, आज ही कल चलेगी तोड़ कि भाई यही नहीं होता है। अभी गया जी सुबह को गाँव में लगाते हुए देखे ना, गाँव हाँ नहीं आना नहीं तो जो सुबह को दौड़ लगाना सबसे आसान काम है, वैसे गया जी हम भी सुबह दौड़ लगाएंगे, जो कहना भाई उठ के आज नहीं कल चलेगी, लेकिन आज सुने थे वो कल होती ही नहीं है। और आप भी आ जाओगे, अभी भी लड़के भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत सुनी नहीं मैंने, हैं 7 तो बहुत देर से भेजा है, 7 से 8:30 अपना क्यों चले जाओ करना, नहीं नहीं सुबह ही चलेगी, अक्टूबर से गिलास आपकी, हाँ मैंने कहा कम से कम एक गिलास तो ही जाग रही है आपकी, तो मैं तो कर सकूँ सुबह 7 बजे अगर मैं कह करूँ तुम्हारा 10-15 दिन कर लूँगा सुबह 7 बजे आ जाइए, क्योंकि मैं अकेले बैठे हूँ यहाँ, फिर मैं भी नीचे चाय पीने जाऊँगा सुबह आया हुआ भाई है। अच्छा नहीं बस तुम्हारी यही चाय, देखो भाई अब क्या है सवाल, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वन स्कूल तो लोग करते होंगे तुम जी, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ये लिखो ये क्या, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन निकालना, फाइंड द डिग्री ऑफ Find the sum of degree of expression. देखो भाई क्या आएगा, देखो तुम एक समझने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं ये 1+a और 1+b हो, इसकी मल्टीप्लाई करें तो a की वन में a तो आएगा ही कहीं ना कहीं, एक टर्म्स a होगी, एक टर्म्स कौन सी होगी हमारा, अगर मैं ये 1+c भी कर लूँ, नहीं जब भी एक टर्म्स ए बी सी रहेगी, ए जब भी रहेगा बी जब भी रहेगा, क्योंकि जो इसकी मल्टीप्लाई है वो हमेशा वो तो रहेगी अपने आप में, ये तो बात समझ आ रहा है क्लियर। जब मैं x की 1 में करूँगा तो एक x पावर 1 भी रहेगी, एक x पावर 6 भी रहेगी, एक x की पावर 11 भी रहेगी, एक इससे कर ली क्या आएगी 1, 6, 11 और 5, 16 रहेगी, अगर ली ये भी रहेगी, है ये भी रहेगी भाई, इनकी पावर का कह रहा है, यानी कि पावर तो कौन कौन सी है, टर्म 1 रहेगी, 6 रहेगी, 11 रहेगी, 16 रहेगी, कहाँ तक की होगी वो 101 भी तो रहेगी एक टर्म, इनकी पावर का एक्सप्रेशन ये तो कह रहा भाई, ये तो आएगी या कुछ और होगा,
अब मुझे ये क्या करना है कि मान लिया ये एन एस भी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये एन एस भी टर्म है, लास्ट टर्म एल ए, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितनी है, ए, बी कितना है, टी टू माइनस टी वन, तो क्या सिक्स माइनस वन फाइव, डी इक्वल टू कितना फाइव, क्योंकि वो गिवन सीरीज है मुझे यो जिसका फर्स्ट टर्म ए है डी फाइव है, एन निकालना उसका सम निकालना, मुझे क्या निकालना सम, सम के लिए फॉर्मूला भी बताया था मैंने क्या होता है एन बाई टू, एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू, एन बाई टू की एन, तो अगर मुझे एन पता लग गया ए भी पता और एल भी पता, क्या पता है वन प्लस वन हंड्रेड वन, बस एन नहीं पता है, एन यहाँ से इंतजाम कर दूँ मैं इसका, ए एन की वैल्यू कितनी है वन हंड्रेड वन, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एक सौ एक, एक सौ एक रुपया दिया है जिसको शादी में है, भाई भी होंगे बहुत सारे हैं, ए की वैल्यू कितनी है वन प्लस एन माइनस वन इंटू फाइव इक्वल टू वन हंड्रेड वन, फाइव एन माइनस वन इक्वल टू वन हंड्रेड वन माइनस वन, फाइव एन माइनस वन इक्वल टू वन हंड्रेड, एन माइनस वन इक्वल टू वन हंड्रेड अपॉन फाइव इक्वल टू ट्वेंटी, और एन इक्वल टू ट्वेंटी, और क्या करें एन की वैल्यू क्या रख दूं यहाँ भाई, ट्वेंटी वन बाई टू, तो ट्वेंटी वन बाई टू इंटू वन हंड्रेड टू, इस टू से कैलकुलेटर क्या आ गया फिफ्टी सिक्स, ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टी तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, ये भी सीखाऊँ ये आंसर आ गया, ठीक है आसान था, कहाँ जी भाई वन हंड्रेड टू आएगा, टू से डिवाइड करके फिफ्टी सिक्स इक्यावन आएगा भाई, कितना कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं, कर लिया थोड़ा जल्दी से है, वन हंड्रेड टू आता ना भी होता, देखो भाई क्वेश्चन क्या है पकड़ना, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं भाई, ऐसे तो माफ हो जाओ जल्दी हो जाए बच्चे नहीं, बच्चे एक और बात है ये बच्ची नहीं करती माफ होती है, टीचर नहीं तो माफ करता बच्चा करता है, ये भी एक खास बात है, टीचर तो नहीं गोल भी घुमा दिया गलत, लिखो बच्चे नहीं कोई बात नहीं, बच्चे ना बच्चा बड़ा हुआ है ना उतना ही, लिखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ ए बी, फाइंड द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ ए बी, फाइंड द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ ए बी इफ इट इज नो दैट ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू ए 24 इक्वल टू 225 क्या काम
मतलब फर्स्ट 24 का टर्म इनका सबका सम निकालना है। इसे क्या निकालना है? सम निकालना है। क्या निकालना है? इसको निकलता है फर्स्ट 20 इसका सब निकाल, इसका मतलब ठीक है किस तरह सब निकलेंगे, इसका सम किस तरह निकलेगा आएगा, लिखेंगे 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 वैसे ही निकला मैंने तुम्हें मिट्टी काटते हैं ना भाई ठीक है। क्या बताया था मैंने जी, एक 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 थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी, क्या थ्योरम बताई हाँ कहाँ बोलो, ए वन प्लस ए 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ पर 23 सर 22 आएगा ठीक बोल रहा यार, देखो ए 24 25 हो गया सही है। आइए समझ क्या करें, क्यों लग रही अब ठीक है यार, अब तो ठीक है यार, देखो पहली टर्म्स क्या है इसमें ये यार हर एक बात की तो इतनी निकलती है यार, हो गई चलो समझ भाई। अब मैं इसके बराबर क्या आ गए हैं, कितने टुकड़े आ जाएंगे, 12 आ गए, तो क्या आ गए 12 क्या आ गए, अच्छा अच्छा इसका सम कितना जगह यार, इसका इसका सम फॉर्म में क्या आ सकता है, सवाल ही क्या हो गया गलत हो गया, काट के सवाल कुछ के लिए इफ नहीं 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 ये इफ नहीं, ए वन प्लस ये गलत हो गया सही, ए वन प्लस क्या करें आराम से बताओ सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर, 5 या 10-15 मिनट बाद में कोई ये करो, अब है इसकी वैल्यू ए 1 2 3 4 5 रेडियो, अब बैठे अब तो हो गया सही, मैंने देखा नहीं था, मैं जवान नहीं करता था, ये ए टू ए फाइव किया था सही पढ़ाऊंगा, गलत दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है, नहीं नहीं आता तो गलत दिन देख के कोई बात नहीं, समझ के पढ़ा दो, गलत नहीं पढ़ाना करना ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या है A1, A5, A15, A20 वो तुम सही दे नहीं जाएगा, इसका 100 अगर 25 सम दिए जाए तो उसका फिर निकाल लिया क्या भाई, तो मुझे समय कुछ और समझ रहता था दिमाग में कहीं और चले हो गया था भाई, मेरे दिमाग में कहीं और चला गया था, मतलब ये कहना है वो यहाँ से हटके
कहीं और चलता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ तक बात नहीं आ गई, देखो भाई, देखो अब क्या होगा, जब ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर ए फाइव बोलो ए फाइव ए ट्वेंटी भाई ए टेन प्लस ए सिक्सटी बात नहीं आगे भाई, यानी ए वन प्लस ए ट्वेंटी। अरे अरे इनका इनका सम पूछा, वो पूछता है इनका सम ही ये गिविन है, ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं, मत बात जुगत में है भाई। इनका सम क्या आ जाएगा भाई, वही एन बाई टू ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर। एन कितने आई हैं, ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसे लिख सकता हूँ, ये ए वन ट्वेंटी फोर ये आ जाएगा, तीन ए वन ट्वेंटी फोर आ जाएंगे। देखो एक जोड़े से तो ये आएगा, एक जोड़े से ए वन ट्वेंटी फोर ये आएगा, ये दोनों बराबर हैं, तो इन देख इसके बराबर और इसके बराबर भी ए वन ट्वेंटी फोर लिख सकूँ, ए वन प्लस ट्वेंटी फोर जी है नहीं, इन दोनों के बराबर भी ए वन ये लिख सकूँ, ए वन प्लस ट्वेंटी फोर आए, कितने ए वन ट्वेंटी फोर होंगे, ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर कितने होंगे, तीन होंगे, तो लिख सकता हूँ फिर तीन ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू कितना आ गया, टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव। अपनी तरफ से नहीं, सवाल ही मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या जो सवाल ही नहीं दिख रहा वो फिर क्या अंधा कर देगा, सवाल ही है ये, सवाल ही गलत लिखा गया। अब देखो क्या आ गया यहाँ, ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री, कितना आ गया भाई, अभी तो ये सवाल लगा खुद ही बता रहा है, सवाल तो गलत हो रहा सही, तो क्या आ गया ये, आ नहीं सुनो, तो क्या आ गया, जो भी आ गया नौ सवाल मगर मारे भाई आजकल घर खराब चल रहे, हम करते ही नहीं आते हैं। देखो क्या सवाल था ये, इसकी फर्स्ट ट्वेंटी फोर टर्म निकालनी है, गिविन है ये, मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने बिना देखी ए वन ए ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी फोर तक ही समय तुम सही थे, इनकी जगह ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थे, अभी निकालना क्या है भाई, अब तो निकल गया, रटने वाली बात तो नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। If consisting n terms, if in AP consisting consist क्या रखते हैं, C O N S I S T I N G consist, if नहीं रखता है, if in AP consist n terms where, ये करते हैं van करते हैं, यहाँ घेर करते हैं, n is odd, n is odd मतलब n terms हैं और n is क्या है, odd है, यहाँ पे बात नहीं आगे दिक्कत तो नहीं, अब आगे बढ़ो। अब इसमें क्या कहना आ गया, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ
all terms is S1. Sum of all terms is? Sum of all terms is? Sum of all terms is? S1. यहाँ दिक्कत आ गई. अब आगे क्या है, क्या कह रहा भाई साहब? एंड सम ऑफ इवन नंबर या सम ऑफ इवन टर्म, सम ऑफ इवन नंबर या सम ऑफ इवन टर्म है इज एस टू. सम ऑफ इवन टर्म्स इज एस टू. सम ऑफ इवन टर्म्स कितना है? एस टू. क्या कहा भाई मैंने? एन टर्म्स हैं, एन कितने हैं? ओड हैं. सम ऑफ ओल टर्म कितने हैं? एस वन है. और सम ऑफ इसके अंदर एन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स ही है एस टू. फाइंड एस वन अपॉन एस टू. फाइंड एस वन अपॉन एस टू की वैल्यू निकालनी. फाइंड एस वन अपॉन एस टू. हाँ तो बात समझ आई. देखो भैया, मान लिया कोई ए पी है. कैसी ए पी है ये? ए वन, देखो भाई समझने कोशिश करो. ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, यानी अप टू ए एन है. ये ए फोर आ जाएगा यहाँ. इससे पहले क्या आएगा? ए माइनस वन है भाई. इसका इनकी सारी सीरीज यही है और सारी सीरीज का सम क्या है दिखा रहे हैं. इसका एस वन कितना जाएगा बता दे क्या मुझे? एन बाई टू ए वन प्लस ए एन. दिक्कत नहीं है भाई? ठीक. अब यू कह रहा कि इवन जो टर्म्स है इवन का कितना है? एस टू. इवन कौन सी आ जाएगी भाई? ए टू, ए फोर, ए सिक्स, ए एन माइनस वन. कितनी टर्म्स होंगी ये? एन माइनस वन होंगी. इनका सम क्या आ जाएगा भाई? एन माइनस वन अपॉन टू ए टू प्लस ए एन माइनस वन. ये क्या आ गई? एच टू आ गई. दिक्कत है. इन्हें दोनों क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड कर दो. डिवाइड ही नहीं पूछा तो उसे एस वन अपॉन एच टू क्या जाएगा? करो एस वन अपॉन एच टू. देखो एस वन करो. देखो भाई करो. देखो एस वन की वैल्यू कितनी है? नहीं करी दिखाऊंगा. एस वन की वैल्यू कितनी है? एन बाई टू ए वन प्लस ए एन. एस टू की वैल्यू कितनी है? एन माइनस वन बाई टू ए टू प्लस ए एन माइनस वन. एक चीज देख लो भाई, जरा एक चीज देखो. किस तो करना है तुम्हें? ए वन क्या है? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म रहेगी. ए एन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखूंगा भाई मैं. ए एन की वैल्यू नहीं आएगा. ए टू की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? याद है ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी. तो क्या आ गई? ए प्लस डी लिखूंगा भाई मैं. बोलो भाई. ए एन माइनस वन की जगह क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस एन माइनस वन प्लस वन माइनस वन इंटू डी. तो क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी. ये रखूंगा मैं यहाँ. ए वन की वैल्यू रखूंगा. ए वन की वैल्यू क्या रहेगी? ए वन ही. ए एन की वैल्यू क्या रखूंगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए टू की वैल्यू ए प्लस और ए एन माइनस वन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी. और इस टू से ए टू कट जाएगा. चलिए इसकी दावत दावत कर दी इसकी मैंने. एन अपॉन एन माइनस वन की वैल्यू रख लेगा भाई और वही इसका आंसर है. ये करके दिखाऊं जब ले भाई ये क्या रखा है बस में. ए वन प्लस ए वन, ए एन की वैल्यू क्या आई बोल लो? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी.
आगे क्या आएगा भाई? बोलो क्या आएगा? a2 plus d क्या आएगा? प्लस a1 प्लस डी. आगे क्या आएगा? a n की वैल्यू क्या आएगा? a1 प्लस n माइनस 2. ये मीन क्या है सर? आते अभी तो सोल्व कर लूंगा. a1 क्या आएगा? 2a1. इसे क्या आएगा? और तो कुछ होता नहीं. n माइनस 1 डी जो तुम यहाँ से क्या आएगा? a1 2a1. अब फिर क्या आएगा? n माइनस 1 डी आएगा यहाँ से भी. हाँ नहीं आई नहीं बात है आगे तुम्हारे देखेंगे. अब यूगैर करके दिखा दो, सारे करके दिखाना है. देखो भाई n अपॉन n माइनस 1 इसे नीचे कर लूँ. n अपॉन n माइनस 1 ऊपर क्या आएगा? a1 क्या आएगा? 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नीचे क्या जाएगा? a1 क्या आएगा? 2a1 प्लस क्या आएगा? ये आएगा d प्लस n माइनस 2d. ये कट जाएगा. फिर क्या आएगा? आने के पास में ये आएगा बेटे क्या आएगा? nd माइनस 2d और माइनस 2d प्लस d माइनस d. फिर d को मन ले लिया n माइनस 1. मतलब यही आना जो तुम इससे ये भाई साहब कट जाएंगे. यही आ रहा थे अब समझ में आ गया. ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं रटने वाली बात. एन अपॉन एन माइनस अच्छा सवाल याद है नहीं सुनते कहाँ से निकल गए थे हमसे. मैं क्या गलती है देखो ये कितनी गलती एक निम्न थी बता दो. देखो भाई देखो इसमें क्या है ये कितने टर्म्स हैं यहाँ जहाँ तक के एन आ गए दिक्कत तो नहीं आई. इसमें इसके बीच कई एन इसके बीच में तो हैं एच टू टर्म्स. अगर कहीं एन टर्म्स हों है भाई मतलब एन टर्म्स ये एन कैसा है नंबर ओड है मतलब ये है नंबर ये तीन एक दो तीन कितने इवन होंगे इसमें. अगर ये हो अगर ये नंबर हो कितने इवन होंगे इसमें दो. किस तरीका भी ऐसे निकालने का देखो. अगर एन नंबर क्या हो इवन हो एन ओड हो तो उसके इवन होते हैं हमेशा एन माइनस वन बाई. हमने क्या करा यहाँ ये हमने n माइनस वन ही लिख दिया बस ये बाई टू लिख रहा है यही है. समझ में नहीं आया इस सीरीज के बीच में ही तो है ये सारे कितने टर्म्स हैं ये n टर्म्स हैं n कैसे हैं इवन क्या होंगे उसके आधे तो होंगे
अध्यधिक कमी तो होगा एन माइनस वन बाई टू, ये टू नहीं भूलिए, क्या भूल गया मैं, बस टू भूल गया थे, बस ये दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत ही नहीं आया, बोल गया बस यहाँ टू लिखना, काम से भी दिक्कत क्यों नहीं है, ज़्यादा बड़े ज़्यादा बड़ी दुनिया तो इधर उधर से हुई नहीं, सवाल तो ठीक ही था, बस समझ गए लॉजिक जो कहा मैंने भाई है। देखो भाई देखो तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं तो धीरे धीरे देखो तीन टर्म में कितने होंगे, इवन आधे से एक कम, पांच हैं तो कितने होंगे, दो एन पांच माइनस एक बटे दो, और एन हो तो क्या आएगा, ये सम ऑफ इवन टर्म्स है ना, ये तो एस टू क्या है, सम ऑफ इवन टर्म्स नहीं है, सम ऑफ इवन टर्म्स, बोलो रटने वाली बात सुनी जो गलती से हो गई थोड़ी नहीं यार, ये मैं देख एन माइनस वन किस कहाँ से हो जाएंगे, एन माइनस हो ही नहीं सकते, ये तो ये हो गया भाई, इससे भी सारे एन माइनस कहाँ हो जाएंगे सारे भाई, सारे तो एन है तो एक कम थोड़ी हो ही मन, उसके आधे से कम हो, ये थोड़ी सी गलती हुई भैया, चलो ठीक है आगे चलो, बेटी बाप की थी भी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है विदाई से पहले से यहाँ जो हो जाए नहीं फिर दिक्कत नहीं आती, लिखो भाई ए वन का स्क्वायर लिखो, इफ द सिक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन ए पी, द सिक्वेंस क्या कहा मैंने, द सिक्वेंस ए वन ए वन ए टू ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन ए पी, फाइंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर माइनस ए फोर का स्क्वायर प्लस माइनस ए टू एन का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर भाई, यहां तक बात समझ आ गई, ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर माइनस ए फोर का स्क्वायर अब टू प्लस माइनस ए टू एन का स्क्वायर, अच्छा इससे पहले क्या सीरीज होगी भाई, ए टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर होगी भाई, आई नहीं बात आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी है, अच्छा मैं क्या करता हूँ इनके दोनों के जोड़े लगा लिए, ये तो गिवन है हम, ये तो किससे किससे लिख सकता हूँ मैं, ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का दो दो जोड़े इकट्ठे इकट्ठे करके लिख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वैल्यू फर्क पड़ेगा भाई इसकी, प्लस दिक्कत सुनिए भाई, यहाँ तो बात दिक्कत आई, अब क्या करता हूँ मैं से? इसे कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी आगे ए माइनस बी है भाई, फिर क्या आएगा यहाँ, क्या आएगा क्या कह रहे, अरे अच्छी बात है, जो गुस्सा होने में है ज्यादा मांसपेशी इस्तेमाल होती है, और हंसने में जिससे मैं एनर्जी ज्यादा खर्च हुई तो कम एनर्जी खर्च हुई, अच्छी बात है हंसना चाहिए, देखो भाई ए वन माइनस ए टू क्या कह रहे, कम हो रही है ना गुस्से होते ज्यादा होते, ए वन माइनस ए टू कितना आ गया, तुम देखो जो आदमी जो ना बुरा है ना गाँव में था वो खतरनाक था, गुस्से था वाला वो बिल्कुल तनतड़ी था वो है, देखा होगा भी तुम्हें तो जो जो है जो जेलो भुनु जा देख के दूसरे वो बिल्कुल हमेशा कैसा रहेगा, जो खुश रहेगा ना वो ज्यादा मोटा था वो, क्यों
तो तुम भी ना गुस्से हुआ करो। देखो ए माइनस ए टू ये ए थ्री माइनस ए फोर है, ये ए फोर ए फाइव माइनस ए सिक्स है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है भाई? अगर ये है ये गिवन है ए वन ए टू ए थ्री अब टू ए एन क्या है ये ए पी में, तो क्या हो सकता है बता सकते हो भाई? यहां से ए टू माइनस ए वन क्या इक्वल हो जाएगा भाई? डी के बताओ भाई तो yes, लेकिन गिवन क्या है ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू क्या इक्वल हो जाएगा? माइनस डी। रटने की बात नहीं भाई है, तो क्या आ जाएगा बोलो? ए वन प्लस ए टू आगे माइनस के डी, माइनस के डी ए थ्री प्लस ए फोर फिर आगे माइनस के डी ए फाइव प्लस ए सिक्स। अब की यहाँ से लिख दूँ माइनस के डी क्या आएगा यहाँ से ए टू ए टू एन माइनस वन प्लस ए टू एन या जाएगा, दिक्कत तो नहीं? इन सब में से क्या करूँ? माइनस डी कॉमन ले लूँ सारे में से, यहाँ भी एक और डी लिखने वाला था, क्या आ गया ए वन प्लस आगे 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 हैं? इनका सम क्या आ गया भाई? इनका सम कितना आएगा? भाई मैंने बताया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ो एन बाई टू फिर फॉर्म लगाएगा फॉर्म ले रहे सही कहे मेरे बता एन डी बाई टू ये बताओ, ये तो बताया था तुमने मुझे ए वन, देखो मैंने तुम्हारी बात लिखी नहीं की ये तो कह रहे अच्छा तुम्हें। अब देखो क्या है तुम्हें, अगर ये प्रूव करवाया गया तो ठीक है, कुछ और भी रद्द बदल कर सकता है तुम्हें वहाँ तक के, तुमने कहा कर ही लेगा मेरे से कई सवाल करवा दिए अगर तुम्हें बड़ा होशियार होता नहीं तो वो यहाँ नहीं यहाँ नहीं छोड़ना था आगे आगे करवा दो, मतलब अगर क्या कि अगर ये ऑप्शन ना हो बाई चांस कुछ और ऑप्शन हो आगे कर दिया होगा यही आदमी आदमी और बनाएंगे क्या है ना ये तो प्रधानी में आ गया जीत तो जाऊँगा ही हम, हमने तो सोचा भाई माँ जिंदे जीते तेरे तेरे वोट की इसलिए जरूरत है हमें जीत तो हम रही कि गाँव में ही नहीं कहते भाई अगले साल जब इलेक्शन होंगे क्या जीत तो हम रही, लेकिन अब भाई तुम्हें तुम्हें क्या करना जीतने का हम बड़ी मार्जिन से जीतने चाहिए फिर तेरे वोट की जरूरत है, तो आंसर तो आज हम इधर और मार्जिन से जीतना चाहें। अब क्या मार्जिन होगा भाई क्या करें? अरे नहीं ये कर लेंगे थोड़ा सा मार्जिन के लिए होंगे तुम मार्जिन से पहले इलेक्शन इलेक्शन लड़वा दो से फिर करी कर लास्ट टाइम है, नहीं तो फिर घर बैठ गया ना ये दिक्कत आ गई। एन डी बाई टू अच्छा एक हो रहा है प्रधान के इलेक्शन में भाई खास बात जो हारने वाला हो शाम को गेट बंद कर लिया वो जैसे वही नहीं मतलब जैसे इलेक्शन हुआ फिर नहीं हुआ आज तक कब है उसे पता लग जाएगा कि मामला है क्या है, वो जो जीतने वाला वो खुल रखे बैठक है एक ही निशानी हुआ है ए वन प्लस ए टू एन या आगे भाई इसका क्या करा ए वन माइनस टू एन से कंजुगेट से नीचे गुना कर दिया दिक्कत क्यों नहीं है भाई है भाई नहीं आई। अब अभी देखो माइनस एन डी बाई टू ये क्या आ गया ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू एन का स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू एन, ए टू एन की वैल्यू ए वन प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी भाई लिख सकू भाई मेरा जी चाह रहा था दिक्कत तो जी तो चल जाया तो क्या आ गया बोल लू माइनस एन डी वाई टू क्या आ गया ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू एन का स्क्वायर ये सवाल आ गया था इस तरह याद है जिस तरह मैं बता रहा वहाँ नहीं छोड़ा था इनने आगे ले जाके छोड़ा था तो क्या आ गया ए वन से ए वन जाएगा ये बाहर माइनस है माइनस ना भूल जाइए भाई तो माइनस क्या आएगा माइनस टू एन माइनस इन टू डी आएगा बोलो क्या आएगा माइनस
टू एन माइनस वन इंटू डी आएगा भाई क्यों भाई साहब इफ डी से ये डी दावत कर देगा और माइनस से माइनस दावत कर देगा इसकी अब अच्छा लगा दे आदमी तो है तो क्या बचाएगा आंसर एन बाई टू टू एन माइनस वन क्या गया ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू एन का ये आता वो आंसर इनका इसमें बता ये लिखना था आंसर मतलब ये इसके बाद है तो समझ लेगा भाई वो उसके बाद आ रही लाइन ये इतना नहीं समझ जाना हैं बोलो वहां से अब लगाना भी बढ़िया था खूबसूरत सा ए वन का स्क्वायर माइनस टू ये अब ये पूछा था कि ये बता तो आंसर ये होगा ये ना देखे उनको हो यार आंसर है ही नहीं कोई कहाँ पे मैच करा नन हो गया दिखा ये बात समझ में कहना चाह रहा एक और सवाल लगा लेंगे आज जल्दी तो है ही नहीं वो तो है ही नहीं आवाज है नहीं करेंगे भी जल्दी तो नहीं हो रही किसी को Target to get sum of an arithmetic mean intersected between कोई बात नहीं रुका पड़ा जी मैं तो खुद लिखा और रुकता क्या है सम ऑफ क्या सम ऑफ अन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर या कहते सम ऑफ अन अर्थ सम इनकी जो जोड़ है उनके बीच देखो इससे पहले क्या था उससे पहले भी अन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे थे मैंने अब के क्या हमें करनी है फर्क क्या है सम में जोड़ में सम का जोड़ ही तो होता है दो नंबरों के बीच या कहते हैं ए एंड बी एक ही बात है मान लिया दो नंबर ही हैं ए था पहला इनके बीच पहला नंबर कौन गया ए वन फिर
फिर यहाँ तक के मान ले ए एन आए और ये बी आए, इनका सम क्या रहा? वो इनका सम, इसका सम ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अब टू ए एन, इनका सम क्या रहा? ये आगे समझो क्या कहना चाह रहा, टॉपिक क्या है? जो दो नंबरों के बीच है उनके एन जो है अर्थमेटिक में इंसर्ट कर दे, उनका सम निकाल ले भाई। मान ली इनके बीच एन अर्थमेटिक ये इंसर्ट कर दिया भाई मैंने, लेट ए एंड बी द नंबर है, फर्स्ट टर्म कितना है ए, एन टर्म कितनी है एन है, अच्छा इसमें टर्म्स में वही है एन प्लस टू टर्म तो होंगे ही, तो बात क्लियर है। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है अगर ए हो तो ये ए वन कितना होगा, ए प्लस डी, ये कितना होगा ए प्लस डी, तो हो गई वन से मिल जाएगा। अच्छा इनका सम कितना हो जाएगा इस सीरीज का सम भाई, एन बाई टू अभी बता दो तुमने मुझे, हाँ बोलो ए वन प्लस ए वन, देख दिक्कत तुम रटने वाली बात सुनिए, अरे ए वन की वैल्यू कितनी है अभी बताया था मैंने, ए प्लस डी लिख दू प्लस, अरे ए एन की वैल्यू क्या लिख दूंगा भाई, क्या लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बाहर एन बाई टू क्यों भाई, ये क्या जाएगा एन बाई टू बोल लो ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस डी, देखो जो तुम पहले कह रहे थे मेरा पूछा था कहाँ से आया, ये ऐसे नहीं था डी से डी दावत कर देगा, क्या आ गया टू ए प्लस एन डी, उलझ गए थे थोड़ा सा यहाँ से, बात समझ में आ गई, टू ए प्लस एन डी कॉमन भी नहीं कुछ आ रहा, डी की वैल्यू यहाँ से अभी डी की वैल्यू इस चक्कर में ना पड़ो, देखो भाई यहाँ से बात समझ में आ गई, जब नहीं चलता तो फिर बोल ए फिर चलेंगे एन बाई टू, नहीं यहाँ चुको तुम भाई, और क्या बोलते हो ए वन की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या आएगी इसमें, ए एन में डी जोड़ गई तो बी आया होगा भाई, इसमें इसमें डी जोड़ा क्या आया, इसमें डी जोड़ के जब कॉमन डिफरेंस है एपी की, ये तो खास बात है, ये तो एपी का लेवल है, ए एन में क्या जोड़ के आया होगा डी जोड़ के, तो ए एन की वैल्यू क्या गई यानी बी में से अगर डी घटा दो ए एन नहीं आ जाएगा, क्या यूं कह दूं रटनी भाई बात सुनी हुई, तो सोचो मैंने लिखा वही चल रहा मैं हमने शक है, तो क्या लिखूँ एन की वैल्यू क्या लिख सकूँ बी माइनस, ठीक ये डी से क्या लगाए हो ए प्लस बी, ये फॉर्म लगा अब आदमी उसमें उलझ गए तो वैल्यू दे रखी थी उलझ जाते हैं उसमें, ये भी एक काम लोगे अपना क्या आ गया सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर के बीच क्या आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस बी, ए का मतलब फर्स्ट नंबर बी का मतलब लास्ट, उन दोनों का सम करके मल्टीप्लाई कितने नंबर हो एन से मल्टीप्लाई कर उनका क्या कर दो हाफ कर दो, दिक्कत तो नहीं, एक सवाल और लगा देखो एक तारों के तारने चाहो नहीं तो सवाल लगा रहा, फिर एक जैसे
क्या कह रहा है ये, इसका सब निकालना है। क्या निकालना इसका? देखो तुम किससे निकालते हैं भाई इसका, बहुत अच्छी तरह निकालते हैं तुम, देख वही वाला तरीका जिसको भी बताया था मैंने, याद आया कुछ कुछ थोड़ा बहुत का वो, यार मेरे पास तो एक ही ले रहे कि एक ही फॉर्म ले रहा है भाई, इन्हें दोनों को दोस्त करा दो। ले भाई कहाँ जा रहा है बिल्ले भाई? अगले भाई, अगले भाई, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देगा? ए प्लस बी माइनस बी, वन प्लस टू वन माइनस टू क्या आएगा भाई? थ्री प्लस फोर थ्री माइनस फोर। चलो कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ये शुभ हो, बाद में निकले शुभ माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद तो चलता रहेगा भाई। अच्छा यहाँ से क्या आएगा? ये यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लूँ, बाहर माइनस कॉमन लेके आ जाएगा, बोलो वन प्लस प्लस फोर अब टू एन तक आएगा, आएगा नहीं? इनका क्या आ जाएगा सम? फर्स्ट सम नेचुरल नंबर का सम क्या हो? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई नहीं होता, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर पढ़ा भी होगा, रट व्यू नहीं याद है तो क्या मैंने बता दिया एक बार, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, फिर मैंने याद क्या? अरे नहीं धन्यवाद तुम कर ले भाई, देख क्या आयो, फर्स्ट टू थ्री फोर अब टू एन फॉर्म में क्या होता है? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, हाँ रखिए भाई, देखो ए की वैल्यू क्या रखेंगे? वन, डी की वैल्यू प्लस वन, और एन की एन है, देखो क्या आगे रखिए, माइनस वन आएगा, यही आएगा ना, आगे चलो रिटर्न जब तक रिटर्न होंगे, मीन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायर का फॉर्मूला ये पहले बताया था मैंने, एन इंटू क्या होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, भूल गए बताया था ना मैंने एक बार, अब क्यूब क्या होता है, क्यूब के मैं इसमें स्क्वायर लगा लूँ, क्यूब के मैं इसके स्क्वायर का क्या होता है लिखा है मैंने, तो देख लिया ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखवा मोबाइल में देखे जा रहा है, सम क्या लिखेगा? सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ही होता है, ये बता दूँ, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, यानी क्या आ गया, एन का स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, ये हो गया क्यूब का सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब का, यानी एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब अब चार, और क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, स्क्वायर का, यानी कि इसका नीचे सीख आना, अब ध्यान रखें, अब कर लेगा तो देख ले क्या, मुझे दिखाइए क्या लिखा है, लिखवा रखा मैंने कॉपी में, देख ले मुझे पीछे, ठीक है भाई ये आ गया सर, एन इन टू एन प्लस वन बाई टू, और क्या है बाहर माइनस एन है, यहाँ तक की तो बात खत्म, ठीक है ठीक। अब लेकिन यही कहता है यार ये, अगर बाई चांस यूँ कहते हैं ये सवाल ना छोटी एक गलती हो गई मान के करने से भी ठीक, यूँ कह रहे हो इफ एन इज ऑड, क्या कहा यूँ कहते हो बाई चांस, अगर यूँ कहते सवाल सारा करता करता सारी बात ही पढ़ लेती जाएगी, क्या कहते हैं एन इज इफ एन इज ऑड, कहते अब निकाल चलती हूँ, यो मैंने क्या एज्यूम कर लिया अपने पास से कि मैंने कहा ये सारे एन जोड़े बने सबके, जोड़े किसके बने हैं, कौन सा नंबर हो इवन, इवन का जोड़ा ही तो हो, डाउन जुफत खेल रहे हैं जुफत ही तो हो इवन, ये जोड़े बने हैं सबके, अब मैंने कहा एन इज ओड, एन कैसा है नंबर है, जोड़े बन जाएंगे सबके, एक बचेगा, बचेगा एक आगे, सुनो ये यहाँ था एन स्क्वायर तक के,
अब ये क्या बचेगा थ्री हो? देखो वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर अब टू एन का स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर यही कहेगा ये अब भी यहाँ तक के है ये इनके जोड़े बनेंगे क्या छूट जाएगा ये ओड जो लास्ट नंबर है ओड मान ले तो छोड़ दिया मैंने अब n की वैल्यू क्या रखूंगा इनका सम वही आ जाएगा फिर यही तरीका फिर लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं अब कितने नंबर हो गए ये n नहीं कितने नंबर हो गए n माइनस वन नहीं तो रह गए नंबर ये भाई n थे ना n में से एक कम नहीं हो गया क्या ये कितने रह गए n माइनस फिर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू बोल लो माइनस एन माइनस माइनस वन एन प्लस है क्या कह रहे यार ये चौकी ने रास्ता दे दिया यार अपॉन या जल्दी लिख लिया बोलने कुछ तो हो गया है ठीक है एन की वैल्यू क्या रख दी इससे ये जाएगा क्या जाएगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन ये आ जाएगी समझ में नहीं आ गया भाई मैं क्या आराम कर सभी कही बोलो ये कब है अगर इफ एनी इवन है मैं है भाई है एन इक्वल टू अगर एन इक्वल टू ओड हो तो क्या फॉर्म ले जाएगा बोल लो और होगा सारा प्रोसीजर यही पति है आगे बात में लिखा तो इसे दो फॉर्म में दो आंसर आ सकते हैं इसके ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है ये छाटी बैठे है ना मल्टीपल चॉइस कहा था मैंने अगर दोनों दे दिए ये भी सही है यार ये भी सही है अच्छा लगा सवाल भाई आसमान समझ में नहीं आया कोई कोई बात नहीं व्यक्ति कहाँ से नहीं आया देखो ये देखो सुनते रहो ये वाली लाइन समझ में आ गई ये वाली भी समझ में आ गई ये वाली समझ में आ गई बोल लो अच्छा अब ये नहीं समझ में आई कहाँ से वन माइनस टू देखो वन माइनस टू क्या करता है ये फर्स्ट टर्म वन है टू है थ्री है नहीं अच्छा वन माइनस टू कितना आएगा यहाँ से भी यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया माइनस कर लिया माइनस वन ही तो है ये तो क्या बच जाएगा यहाँ से वन प्लस आगे यहाँ से फिर अब तू एन तक आएगा इस तरह ही इससे पहले एन माइनस वन भी आएगी आ रही नहीं अब भी नहीं बात हुई अच्छा अब इनका सम क्या होता है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर नहीं आई सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू सीधा फॉर्मूला बताया बस अच्छा सुनो तो अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था भाई उसका एन बाई टू फर्स्ट टर्म वन और लास्ट टर्म एन जब ये जब भी नहीं समझ में आ रहा तो बात तो मेरे भैया भाई बेटी बाप किया जाए नहीं सगल आई बात में यहाँ तक तो रोना सब समझ में रोना धोना अब इसकी बात है अब यू कह रहा है कि वो एन इज ओड है भाई एन कैसे है ये यहाँ मैंने क्योंकि हर एक के दो दो के जोड़े बने यहाँ बने नहीं एज्यूम कर रखा था मैंने लेकिन अब यू कहते हैं एन इज ओड अगर एन इज ओड है तो फिर दो दो के जोड़े तो नहीं बनने बने गए क्या बचेगा एक नंबर बचेगा नंबर जोड़ा नहीं एक नंबर मान लिया वो नंबर ये बचा ये वाद वाला बच गया मान लिया अब इन सब के तो जोड़े बन जाएंगे यही वाले से इस तरह से यहाँ से कहाँ तक आएगी यहाँ तक वैल्यू आएगी ना जो क्या आएगी वैल्यू यहाँ से वन प्लस टू प्लस थ्री अब तो कहाँ तक आएगी हो एन माइनस वन और प्लस का एन स्क्वायर वो गलत कर दिया मैंने सही कह रहे थोड़ी देर गलत कर देता यहाँ यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू आ जाएगी यहाँ से प्लस के एन स्क्वायर ले भाई फिर ध्यान हमारे ध्यान ही नहीं था नहीं ध्यान दिया प्लस एन स्क्वायर भी तो भूल गए थे हम कुछ हो रहे थे निकालना है अब एन स्क्वायर क्या जाएगा टू एन स्क्वायर क्या आ जाएगा हाँ ये अच्छी बात कही तुमने हमारे भी बता दिया माइनस एन स्क्वायर प्लस एन क्या जाएगा प्लस टू एन स्क्वायर प्लस अपॉन टू देखिए हम ये भूल गए थे हैं अब टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना जाएगा एन स्क्वायर प्लस
टू एन अपॉन टू, इन दोनों से एन कॉमन लेके आ रहे हो, एन इज टू एन प्लस वन बाई टू, बस ये माइनस ऊपर इसका फर्क रहेगा। अब ये कर लो, ओड इवन में क्या क्या फर्क रहा है, अब तो समझ में आ गया ना, लटने वाली बात नहीं रही पहले गलती तो भाई हमारी गलती क्या हो गई, ये भूल गए थे मैं ध्यान नहीं रहा था, हमने इसे भी छोड़ रखा है, रटने वाली बात तो नहीं भाई, माफी हो जाती तो गलती। चलो भाई मजा आ गया भाई, आया अब तो ए पी खूब अच्छी समझ में आ गई होगी, अब इसे अपनी किताब में देख के करना भाई है, अब ए पी कर लेना समझे, जो मैं इसे पूछ रहा हूँ कल कोई होगी शिविर जीपी, ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है, ठीक है बेस्ट ऑफ थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।